तक ओपीएस विद्या मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो इसका सौजन्य श्री हरि कथा प्रचार समिति है और संत प्रवर श्री विजय कौशल जी महाराज द्वारा श्री राम कथा का ही अमृत वर्षा की जाएगी। सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि वो इस कथा का लाभ उठाएं, खासतौर पर अपने घर में जो नौजवान पीढ़ी है, बहुएं हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, उनको कथा में जरूर लेकर आए, उनको इससे बहुत लाभ होगा। आजकल परिवारों में हमारी इस संस्कृति का बहुत कमी है हमारी, और उसको उनको लाभ मिलेगा और परिवारों में शांति भी बनी रहेगी। कौन कौन लोग आए मुख्य अतिथि? कोई नहीं है मुख्य अतिथि, तो हमारे विजय कौशल महाराज जी है और श्री हनुमान हनुमान जी है। हनुमान जी के सानिध्य में ही हो रही है कथा, वो इस कथा के प्रधान हैं, चेयरमैन हैं श्री हनुमान जी ही। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम श्री हरिकथा प्रचार समिति द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें सभी सदस्यों की एक इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें। विशेषकर महाराज जी का तो ये कहना है, श्री संत प्रवर विजय कौशल जी का तो ये कहना है कि नई पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा बुलाया जाए, ताकि उन्हें एक अपनी संस्कृति, अपने परिवार में रहने सहने का तरीका उन्हें आए, यही एक विशेष उनकी इच्छा है। और इसी जी जान से सारी टीम हमारी लगी हुई है और रामचरितमानस में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री राम जी की कृपा उन्हीं लोगों को मिलेगी जो राम कथा सुनते हैं, सुनाते हैं और सुनाने की इच्छा रखते हैं। कितने दिन चलेगी ये? 9 दिन का कार्यक्रम है, 28 फरवरी से 29 फरवरी से 8 मार्च तक, साय 4 बजे से 7 बजे तक। ठीक 4 बजे ये विजय कौशल जी महाराज मंच पर आ जाएंगे और ठीक 7 बजे कथा का समापन हो जाया करेगा। व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट समिति द्वारा किया गया है, ताकि किसी भी सदस्य को, बुजुर्ग को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई बुजुर्ग आने में भी असमर्थ है, हम उनको भी लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा प्रयास समिति द्वारा किया गया है। और बैठने की पूर्णतया अच्छी व्यवस्था, सोफे पे, कुर्सी पे, नीचे बैठने की सब तरह से व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। इसके अलावा समिति द्वारा बसों का भी अरेंजमेंट किया गया है, जो हर सेक्टर में प्रमुख मंदिर हैं, 6, 7, 8, 9, 4, 5 सेक्टर में, रामनगर, प्रेमनगर, तो सभी जगह बसों का इंतजाम किया गया है। वो ठीक 4:15 बजे वहां से बसें चल दिया करेंगी और ठीक 7 बजे उनको उसी स्थान पर सभी को छोड़ दिया जाएगा। थैंक यू।